अयो सिकंदर क्या स्वाद है जी। अरे मुत्तू तुझे क्या भाई, हर दिन पानी की समस्या बढ़ते जा रहा है। मेरे दादाजी ने कभी सोचा भी होगा कि हम लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ेगा? और ऐसे ही चलते रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल पंप की तरह वाटर पंप होगा और हमारे बच्चों को लाइन लगाकर पानी खरीदना पड़ेगा। यो एकदम सही बोलता जी। मेरा दादी जी बोलते हमारे जमाने में हम तालाब और नदी में पानी देगा, तुम्हारे पिताजी का जमाना आया तो कुआं में पानी देगा, धीरे धीरे तालाब नदी खत्म। अब तुम्हारे जमाने में आया तो हमको बॉटल में देखने को मिलता। अयो सिकंदर ऐसा क्यों हो रहा जी? क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है और पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, जंगल मिटते जा रहे हैं। और जितना पेड़ पौधा कटेगा, जितना जंगल कटेगा, उतनी पानी की समस्या बढ़ती जाएगी। अयो हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो आम लोगों को और आम लोगों का बच्चे लोगों को ऐसा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े? अरे हमारे देश की आबादी कितनी है? अयो लगभग 125 करोड़ जी। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20% लोग हर साल एक पेड़ लगाते, तो 25 करोड़ पेड़ हर साल लगेगा। अब सोच के देख, हर साल 25 करोड़ पेड़ लगेगा तो हमारे देश में कभी पानी की समस्या नहीं आएगी और साथ में हम पॉल्यूशन से भी बचेंगे। अयो मैं समझ गया, हमारे समस्या का समाधान यही है, मैं चला पेड़ लगाने को। अयो सिकंदर यार वजन को देखो जी। ओ यारा, मेरे समस्या का समाधान कौन करेगा? अयो आर वजन तुम्हारा बाल क्या हो जी? ओ यारा कटा दिया मैंने। अरे लेकिन क्यों? ओ यारा पहले नल में हर रोज पानी आता था, फिर एक दिन आता है और एक दिन नहीं, वो कम चल जाएगा। और यार अब तो सिस्टम ही बदल गया, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, अभी तो 4-4 दिन हो गया मेरे दोस्त पानी नहीं आया। अयो क्या बदबू देता जी? अब जिन तुम 1 हफ्ते से ना आया ना क्या? ओह नो, ये दारू का बदबू है, दारू का। तू तो कभी दारू नहीं पीता था आज? ओ यारा घर पे 4 दिन से पानी नहीं आया। ओह नो, तो क्या करूं? हमको पानी का बॉटल खरीद के पीना चाहिए था। दारू पी रहा हूँ। दारू का बॉटल क्यों करता जे? अरे तुमको पानी खरीद के पीना चाहिए। पानी लेने को गया था और दुकान के सारे बॉटल खत्म हो चुके हैं पानी, इसीलिए मैंने पीछे लिया। और बाबा ने भी मुझे ये आज पीने को कहा। कौन बाबा? जड़ी बूटी बाबा। यो तुम उसके पास क्यों गया था जी? ओ यारा मेरे पेट में हमेशा दर्द होता था, तो मैंने सोचा जड़ी बूटी वाले बाबा से दिखा दो, अपने लिए कुछ उपचार मंगा लो, मांग लो यार मांग लो। पर बाबा ने बड़ी बीमारी बता दी। कौन सी बीमारी? बोला तुम्हारे किडनी में हार्ट अटैक हुआ, तुम्हें जड़ी देता हूँ उसे अजवाइन के साथ हाल है। अरे यारा एक चीज उसने बहुत अच्छी बताई, जड़ी बूटी खाने भी बोला तो वाइन के साथ। oh, no! भाई तुझे अजवाइन के साथ बोला था? वाइन के साथ नहीं, अजवाइन जो मसाले में डालते। यारो इसीलिए मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि खाने के बाद हगना भी पड़ता है और हगने के बाद धोना भी पड़ता है, तो मैं यारो 4 दिन से पानी आई नहीं। अय्या इतना छोटा सा बात? अरे इतना छोटा सा प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, मुत्तु के पास है जी। क्या मुत्तु तेरे पास क्या सलूशन है? अभी तुमको दे, ये लो।
ये कागज पेपर। अरे जब तक तुमको पानी का प्रॉब्लम है तो पेपर से काम करना। नो अरे समझ करना वरना। अयो क्यों जे वरना पोछ पोछ कर तशरीफ में छाले पड़ जाए। ओह नो और तू बैठने के लिए तरस जाए। वाह क्या हो रहा है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा जो दो दिन से बैठ नहीं सका।